यह दृश्य है ईटानगर के आईजी पार्क का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है। पीएम मोदी शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई अहम परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि प्रधानमंत्री जब भी अरुणाचल आते हैं, अरुणाचल वासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा देते हैं। इस बार वे अरुणाचल वासियों को सबसे बड़ा सौगात होलंगी हवाई अड्डे के रूप में देने वाले हैं। ये हम पूरा अरुणाचल वासी लोगों के लिए बहुत ही खुशी का बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का इस बार का विजिट को लेके तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं, और जब भी आए तो वो खाली हाथ नहीं आया, और इस बार जब आ रहे हैं तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स के साथ वो आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अरुणाचल हम सभी लोगों का एक ड्रीम था कि अपना कैपिटल में एक एयरपोर्ट होने का, ये सपना जो करीबन 10 साल से ही चल रहा है, और पिछले 2 सालों में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का डायनेमिक लीडरशिप के अंदर में ये प्रोजेक्ट अभी पूरा पास होके आया है। तो वो यहाँ पे होलोंगी का जो एयरपोर्ट का प्रपोजल जो है वो फाउंडेशन स्टोन लेइंग होगा। इसके अलावा और बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट्स उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें हमारा 110 मेगावाट पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके बाद हमारा तेजू का एयरपोर्ट का उसका भी उद्घाटन करना है। इसके अलावा हमारा जो सेला टनल और रोड का भी उसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग करना है। और हम लोगों को दूरदर्शन की ओर से भी एक डेडिकेटेड डीडी चैनल एक मिला है अरुणाचल प्रदेश को, दूरदर्शन अरुण प्रभा चैनल, तो उसका भी लॉन्चिंग वो करेंगे। और अन्य कुछ और कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा हुआ है, और हमारे यहाँ अरुणाचल की पूरे जनता बहुत ही उत्साहित से प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, और तैयारी भी काफ़ी अच्छा से यहाँ चल रहा है। हमारा 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी 10 बजे लैंड करेंगे, और 10 बजे से लेकर 11 बजे एक घंटा का उनका प्रोग्राम होगा, और उस प्रोग्राम का आयोजन जो है हमारा आईजी पार्क ईटानगर में किया हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और उनकी सरकार पर पीएम मोदी को पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग जाएगा। इनफैक्ट ऑनरेबल नॉट ओनली 2 ईयर्स, पिछले जब से 2014 श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बना, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल के लिए बहुत कुछ किया पिछले 4.5 सालों में। तो उनका लीडरशिप को होते हुए हमें बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट नहीं होता कि आने वाला दिनों में भी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को कुछ दिक्कत आएगा, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नॉर्थ ईस्ट काफ़ी बार घूम चुका है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी वो काफ़ी बार घूम चुका है, अरुणाचल में भी पहले काफ़ी बार आ चुका है प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी। तो यहाँ के लोगों का चैलेंजेस क्या है उनको अच्छी तरह पता है। केवल यहाँ पे चाहिए तो उनको एक क्लीन गवर्नमेंट चाहिए जो करप्शन को पूरा टॉलरेट नहीं करेगा, करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। एक अच्छा एक गवर्नमेंट उनको चाहिए, यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो उनका हमेशा हमारा ऊपर इस गवर्नमेंट के ऊपर में ब्लेसिंग रहा है, और हमारा लीडरशिप में एस टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट को लेते हुए तो स्टेट भी अभी अच्छा दिशा में जा रहा है। सर, आने वाले इलेक्शन के लिए कुछ महीने रखेगी ये विजिट पीएम साहब का? नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहा है, और पूरे जैसे मैंने पहले कहा कि अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश के लिए वो इतना काम कर रहा है, तो डेफिनेटली पीएम को सुनने के बाद वैसे भी माहौल यहाँ पे तो अपना पार्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली पीएम आने के बाद तो 100% श्योर हो जाएगा। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे को लेकर यहाँ की जनता में भी जोश देखने को मिल रहा है। जनता चाहती है कि पीएम मोदी उनके समस्याओं को देखें, समझें और उसका समाधान करें। अभी पूरा सफा हो रहा है और हम लोग का देखने का लायक हो रहा है, देखने का रास्ता भी लायक हो रहा है, और आदमी लोग बड़े साफ सुथरा हो रहा है। ईटानगर मोदी जी हमेशा आने से और भी अच्छा रहेगा। वो जो एयरफील्ड, ग्रीन एयरफील्ड, और ये मेनली हमारा शिलातोप का जो रोड टनल को कर देने से वो हमारा सबसे आसानी है। और ये जो जितना प्रोजेक्ट में 4 प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, वो 4 प्रोजेक्ट को ध्यान लाना है, और वो 4 प्रोजेक्ट ला करके हमारा रोजगार जवान लड़का लोग फोर के बैठ रहा है, क्लास 10-12 पास करके
सर रहा है उन लोग के लिए ये प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट ला करके हमारा अरुणाचल का जितना ट्राइबल है उसको नौकरी दिया जाए और नौकरी मिले, यही हमारा उम्मीद है। और ये उम्मीद करके मोदी जी को हमारा स्वागत है, वो आ करके हमारा अरुणाचल को देख लीजिए और रास्ता मोदी जितना है वो अच्छा काम करेगा बोल के हम उम्मीद करके उसका इंतजार में है। अरुणाचल प्रदेश के कार्यक्रम के बाद ईटानगर से मोदी का असम और त्रिपुरा जाने का कार्यक्रम है। अरुणाचल 24 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट।